देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। आज हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट में युवा नेता रोहित कुमार के द्वारा एसडीएम के माध्यम से प्रदेश की सरकार के लिए एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें रोहित कुमार का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के मद्देनजर 22 मार्च 2020 से पूर्णतः लॉकडाउन 3 माह तक सरकार के आदेश अनुसार बिजली एवं स्कूल फीस अधिक माफ किए जाने के निर्देश दिए गए थे तथा शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार के द्वारा कहा गया था कि जो भी स्कूल अभिभावकों से स्कूल की फीस वसूलने के लिए दबाव बनाएंगे उनके खिलाफ एवं स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, परंतु प्रदेश सरकार के आदेशों एवं शिक्षा मंत्री के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए स्कूलों के द्वारा अभिभावकों के व्हाट्सएप एवं अन्य संसाधनों से फीस जमा करने के आदेश भेजे जा रहे हैं एवं बिजली विभाग में लॉकडाउन के दौरान जो बकाया बिल थे उनको जोड़कर बिजली विभाग द्वारा आम जनता पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर रोहित कुमार के द्वारा उच्च अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि वैश्विक महामारी के चलते आम आदमी की कमर टूटी है, दूसरी ओर स्कूल एवं विद्युत विभाग द्वारा हजारों के बिल भरने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जो कि प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। परिसर में ये धरना प्रदर्शन का क्या कारण है, क्यों धरना प्रदर्शन किया गया? ऐसा है, मैं अपने मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 3 महीने लॉकडाउन को हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं। एक तो कोरोना की मार पूरा देश झेल रहा है, ऊपर से पानी का बिल इन्होंने लॉकडाउन में नहीं भेजा, बिजली का बिल इन्होंने लॉकडाउन में नहीं भेजा, बच्चों की फ़ीस इन्होंने लॉकडाउन में नहीं भेजी। आज वो दुगना तिगना लगा लोगों के गार्जियनों को भेज रहे हैं। पानी का बिल वो 3-3 महीने का, किसी का 8,000 आ रहा है, किसी का 10,000 आ रहा है। गरीब तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। स्कूलों से लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से गार्जियनों को परेशान किया जा रहा है, जबकि आपको पता होगा कि शिक्षा मंत्री का बयान है कि यदि कोई भी स्कूल के प्रबंधक परेशान करते हैं, फीस के लिए बोलते हैं, तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्कूलों को कोई इस चीज़ का नहीं हो रहा है, किसी कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि इस तरह से जिस नहीं चलेगा और जो गरीब जनता को आप परेशान कर रहे हैं और ये दोहरी मार जो उसको झेलनी पड़ रही है, उस पर प्लीज़ रोक लगाई जाए, वरना जनता कोविड में ही उसको रोडों में आना पड़ेगा।